तो अपने हिसाब से अच्छा लिया है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग बताना मेरी मम्मी का कपड़ा। जबकि इसमें मालिया और रुद्रा सेम सेम कपड़ा पहनेंगे। बाय बाय कपड़ा, इसको मैं बाय बाय बोल देता हूँ। बाय बाय। अभी भी पापा की टेप वाली थेरेपी खत्म नहीं हुई है, टेप लगाए जा रहे हैं। तो कितना आया? 6 किलो 750। आपको मोबाइल में स्लिप डाउनलोड हो जाएगा, आप जाके किसी भी कंप्यूटर जहाँ जरूरत निकालते ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम इतने दिन से शॉपिंग कर रहे थे, तो कुछ कपड़े हमने खरीदे थे जो हम बताए थे किसको भेजना है किसको भेजना है, तो आज हम फाइनली इसको हम पैक करने जा रहे हैं और इसको हम करें कुरियर। और ये जाएगा हमारे कहाँ? हाँ, ये हमारे गाँव जाएगा उत्तर प्रदेश मेरे दोस्त के घर पर। तो हमने क्या क्या लिया है, ये हमने एक लिया अपनी इनकी दादी के लिए, एक जो ये दादी के लिए है, और ये मेरे दोस्त की वाइफ मतलब इनके बड़ी अम्मी के लिए, और ये मेरे दोस्त के लिए ये वाला, ये वाला, और ये वाला जो है उनके लड़के के लिए, कैफ के लिए। तो मेरे दोस्त का नाम सैफ है, उनके लड़के का नाम कैफ है। और ये जो दो सूट है, ये देखो दोस्तों, इसको सीधा करो, टेढ़ा यार उल्टा है। हाँ, ये दोनों सेम सेम सूट है। तो ये दोनों सेम सेम है। तो एक सूट है ये वाला जो है ये मारिया का है, और ये रुजदा का है। तो मारिया वाला नहीं जाएगा, मारिया वाला यहीं रहेगा, इसको यहीं रख दो, सिर्फ रुजदा वाला जाएगा। तो इतना सामान हम पैक करेंगे, कुरियर करेंगे, देखते हैं कितने दिन में हमारे गांव पहुंचता है ना। हाँ, तो और साथ में ये रुजदा के लिए, हाँ वाली इसमें इसी में डाल देगा इसको, हाँ इसी में डाल दो इसको, और ये इनके बड़ी अम्मी के लिए, ये भी इसी में डाल दो है ना। चलो, तो ये शर्ट मैंने सिलाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, मैंने तो सेम शर्ट अपने दोस्त के लिए मैंने लिया है, और ये कैफ के लिए। तो आप लोग बोलना मत कि मतलब दिखावा कर रहे, भेज रहे चुपचाप भेज देते, क्यों दिखा रहे, क्यों बना रहे वीडियो। तो हर चीज़ की वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो ये बना लें। और इस तरह हम अपने गाँव पहली बार कुरियर से सामान भेज रहे हैं, तो इसके लिए कि पहली बार हम कुरियर से मतलब मुंबई में तो भेजे हैं सामान यहाँ वहाँ, लेकिन गांव कभी नहीं भेजे ना यूपी। तो देखते हैं कुरियर से कैसे सामान कितने दिन में पहुँचता है, तो आप लोग को भी नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि गांव वाले ज़्यादा ना इंतजार करते हैं, कोई मुंबई जाए तो हम सामान भेजेंगे, और यहाँ वाले इंतजार करते हैं कोई गांव जाए तो सामान भेजेंगे। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, जो कि अब हर चीज़ का आसानी हो गई है, कुरियर से कोई भी सामान भेज दो फटाफट पहुँच जाता है। लेकिन लोग वेट करते रहते हैं कोई जाए गाँव वाला तो फिर सामान भेजे। तो हमारे वीडियो शायद बहुत लोग को समझ में आएगा कि हाँ सामान कैसे भेजते हैं। सबसे पहले हम इसको पैक करेंगे, तो आप लोग देखो इसको पैक कैसे करते हैं। तो हमने कार्टून लाया है, इसमें पैक करेंगे। मैं और पापा गए थे कार्टून लाने। हाँ, एक चीज़ बताया नहीं कि आपकी ईद में मारिया और रुद्रा सेम सेम कपड़ा पहनेंगे, तो रुद्रा वहाँ पहनेंगे, मारिया यहाँ पहनेंगी। बुंदे भी सेम सेम लिए, मारिया का भी बुंदा ऐसी है और रुद्रा का भी हो गया, और दोनों फिर तो ईद के दिन रुद्रा वहाँ पहन लेगी, मारे यहाँ पहन लेगी, उसके बाद वहाँ से एक वीडियो भेजी, वो हमारे यहाँ एक वीडियो बना के सब सेम सेम बनाएगा। हाँ, इसके लिए सेम सेम पहले हम आपको इस एक वीडियो में आप लोग देखे हो गए, हम दूसरा लाए थे फिर हमको अच्छा लगा नहीं था ना, इसको हम गए थे चेंज करके फिर ले गया इसको। मेरी अम्मी का है, दादी का यह है, उन्होंने तो अपने हिसाब से अच्छा लिया है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग बताना मेरी मम्मी का कपड़ा। आप लोग पूछते दादी का है, दादी का है, दादी गाँव में ही है। ये देखो ये बॉटम है, ये बॉटम में बढ़िया बना हुआ है सब। तो अभी पापा बॉक्स पे टेप लगा रहे हैं ताकि बॉक्स अच्छे से सिक्योर हो जाए और इसमें से कपड़े ना निकले हमें कोरियर भेजते वक्त। तो चारों कोने पे अभी टेप लगा दिया है। ठीक है, अच्छा रहेगा, देखो देखो हो गया, बड़ी मम्मी का आ गया, रखो मम्मी बोल रही है नीचे का रुजदा वाली रुजदा फिर का कपड़ा और ना वो नहीं। और ये कैफ और सैफ, कैफ से आ गया, कार्टून तो बहुत बड़ा है यार ये। इस शादी में कुछ कपड़े हैं जो कि छोटे हो गए हैं, और कुछ कपड़े तो उसमें ऐसे हैं जो कि शादी में आज तक पहना ही नहीं है। यहाँ कोई छोटा बच्चा है नहीं, इसको हम वहाँ भेज देंगे तो कोई छोटा बच्चा हो उसको पहनने काम आ जाएगा। तो आप लोग ये मत बोलना कि आप लोग पुराने कपड़े क्यों भेज रहे हो। छोटा कैसे करेंगे ये लोग, सोच रहे हैं छोटा कैसे होएगा। अब्बा का दिमाग कहाँ कहाँ जाता है हमें पता भी नहीं, कहाँ कहाँ जाता है अब्बा। मैं समझ गया, ये बोल रहे हैं समझ गया पापा जो कर रहे हैं। ये काटेंगे इसको, चिपकाएंगे भी नहीं, ये काटेंगे ना फिर ये जो है इसको ही ऐसा बना देंगे फिर बंद कर देंगे। समझ गया, ठीक है, मेरे को भी समझ में आ गया। चाकू का इस्तेमाल बच्चे ना करें, बड़े करें। तो कट गया,
ये देखो ये परफेक्टली फोल्ड हो गया, कोने कोने के एकदम अच्छे तरीके से फोल्ड हो गए। ये जो बड़े वाले ये फोल्ड इनको मैं दबा के रखता हूं, ऐसे पीछे की तरफ पहले फोल्ड कर लेना चाहिए। वही बड़े जब ये लिए थे तो बड़ा था, तो बोलिए जब ये बड़ा होगा शादी तो पहनेगा, जब शादी में बड़ा होगा तो ये छोटा हो गया, इसे पहना ही नहीं। ये टोपी है याली, तो बढ़िया सब ये गर्म वाला, ये तो नया है पूरा, भी नया है समझो, पहना नहीं शादी में। हाँ ये भी नया है, चलो ये डाल लेते हैं। अरे कार्ड में भी छोटा करवा, कार्ड में बड़ा था अच्छा खासा यार, अरे दिमाग में आया नहीं। अरे आ जाएगा अभी, और कपड़े आ जाएंगे तीन चार आएगा। ये वाला सेट भी डाल दो, ये वाला डालो, ये तो शादी का, ये भी सेट है शादी का, ये तो शादी का सबसे फेवरेट वाला कपड़ा है भाई, ये मतलब कपड़ा मैं बहुत बार पहन चुका हूँ, इसे भी डाल दो, इसको भी डाल दो, बाय बाय कपड़ा, इसको मैं बाय बाय बोल देता हूँ, बाय बाय, इतना आया इतना डालो, बाय बाय जैकेट बना दो, जैकेट। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है ही नहीं है, और मेरे दोस्त के अभी नहीं है, वहाँ भी एक कैफ वो भी बड़ा रुझा भी बड़े, यहाँ भी उनके भी दो बच्चे, मेरे भी दो बच्चे बड़े बड़े हैं, काटते नहीं तो सब आ जाता, काटता नहीं ना, पहले नहीं बोली तो सब आ जाता है इसी में। देखो ये वाला आ जाए तो डाल दो, ये रहने दो, बॉक्स नहीं फटेगा भाई, इतना भी नहीं है, ताकत लगाते हैं हम दोनों, बाप बेटे लग जाएगा कपड़ा हर सादे। तो टेप की फर्स्ट लेयर लग चुकी है, तो अभी फाइनली हमारा पार्सल अच्छे तरीके से पैक हो गया है, चारों कोने पे हमने अच्छे से टेप लगा दिया है, अभी भी पापा की टेप वाली थेरेपी खत्म नहीं हुई है, टेप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी इसे खोल ना पाए। तो कुरियर के हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, कुरियर की बहुत सारी कंपनियां हैं, जहां हमें इनके ऑफिस में जाके कुरियर को देना होगा और वहां बुक करके भेज देंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है ऑनलाइन का, अपने मोबाइल से घर में बैठे बैठे इसको बुक कर सकते हैं, और इनका बंदा आएगा घर से ही पार्सल हमारा लेके जाएगा और फिर डायरेक्ट पहुँच जाएगा, तो हम इसको जो है ऑनलाइन मोबाइल से बुक करेंगे। कौन सा ऐप है? डिलीवरी ऐप, हाँ डिलीवरी ऐप, जिसके लिए बुक करने के लिए हमको इसका वेट भी उसमें डालना पड़ता है, वजन, क्योंकि वजन के हिसाब से हमको पैसा पड़ता है इसका चार्ज, तो इसको हम सबसे पहले वजन कर लेते हैं, उसे अंदाज़ा है, अंदाज़ा से भी आप लिख सकते हो थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम इसको वेट कर लेंगे कितना वजन है, तो जब ऐप में हम बुकिंग करेंगे इसको तो वही हिसाब से हमारा वेट के हिसाब से पैसा लगेगा। तो कितना आया? 6 किलो 750। 6 किलो 750। तो अभी हम अपना पार्सल वजन करा के आ गए, इसका वजन 6 किलो 750 ग्राम था, तो अभी पापा बुक करेंगे, और हमें ये अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालते वक्त हमें पार्सल की लेंथ ब्रेथ और हाइट भी डालनी है और वेट भी डालना है, तो अभी हमने इंच टेप से इसे मेजर कर लिया है, और इस पार्सल को सिक्योर करने के लिए हमें 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। करना है क्योंकि सिक्योर करने से क्या होगा, जब भी हमारा पार्सल घूम जाएगा तो हमें इसके अंदर का जितना भी अमाउंट था, जितने अमाउंट का सामान था उतना अमाउंट मिलेगा। तो हमारा ऑर्डर हो गया है, हमारा टोटल अमाउंट जो होगा इसका चार्ज हुआ है 1372 रुपये लगेगा इसको वहाँ तक यूपी तक पहुँचने में। अगर आपका एक कार्टून नहीं होता और 5 किलो से कम होता, जैसे कोई बैग में थैले में या प्लास्टिक में या छोटा पैकेट रहता तो उस हिसाब से कम चार्ज लगता, अगर इसको बैग में भेजते या कोई पैकेट में भेजते, कार्टून में भेजते तो उसका 8 या 850 रुपया लगता, तो कार्टून में भेज रहे तो उसका चार्ज अलग लगता है, तो 1300-1400 रुपया दिखा रहा, डिस्काउंट करके 1372 रुपया लगा है, तो आपका जैसा पार्सल रहेगा, जैसा वजन रहेगा, जैसा साइज रहेगा, उस हिसाब से पैसा पड़ेगा। तो हमने बुक कर दिया, और इसमें एक स्लिप डाउनलोड होती है, इस स्लिप को हमको प्रिंट आउट से निकाल के अभी फिर इसमें चिपकाना पड़ेगा उसको, तो ठीक है 1300-1400 जो भी लग रहा है, लेकिन कम से कम हमारा पार्सल वैसे बड़े करें पास हो जाएगा सुकून से, और 200 रुपये हमारा एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि हमने इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया है कि अगर हमारा पार्सल घूमता है या खो जाता है नहीं पहुँचता है तो उसका हमको जितने का पार्सल का अमाउंट है वो पैसा हमको वापस मिलेगा, इसके लिए हमने 200 एक्स्ट्रा भी दिया है, अगर कुछ चाहो तो आप वो ऑप्शन नहीं ले सकते हो, तो आपको और कम पड़ेगा। ऐसा स्लिप निकाल लेने का, इसमें पूरा एड्रेस सब डॉक्यूमेंट बारकोड ऑर्डर आईडी सब है, ये स्लिप लगा देने का, हमने पहले अपने हाथ से लिख के लगाया था, लेकिन वो अगर आप ऑफिस में दोगे ना तो हाथ से लिख के देना पड़ेगा, जो हम पापा जेरोक्स करके लाए हैं उसको अच्छे से चिपका देंगे डब्बे पे।
तो हमारा स्लिप लग गया। आपको मोबाइल में स्लिप डाउनलोड हो जाएगा, आप जाके किसी भी कंप्यूटर जहाँ जेरॉक्स निकालते ना वहाँ से एक प्रिंट आउट निकलवा दो, बस इसको चिपका दो। हमारा पिकअप बॉय भी आने वाला है, उसका कॉल आ गया है। लेट तो कल का था लेकिन आज ही आने वाला है वो। चलो फटाफट अब हमारा पार्सल चला गया है, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब इनकी जिम्मेदारी स्टार्ट, इनका काम पहुँचाना। इसमें उसे लिखा हुआ था 5 दिन के पहुँच जाएगा, देखते हैं 3 दिन में पहुँचता, 5 दिन में पहुँचता, कितने दिन में। अब हम डायरेक्ट आपको जिस दिन सामान पहुँच जाएगा वहाँ से हमारे दोस्त का कॉल आएगा, उस दिन फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमें पार्सल भेजा था, उसमें पहुँचने का टाइम जो था 5 दिन का था, लेकिन वो 3 दिन में हमारा पार्सल पहुँच गया। उनको हमारे दोस्त के घर वालों को मिल चुका है और उनका कॉल भी आ चुका है। तो अगर आप भी किसी को इस तरह कुरियर से पार्सल भेजना चाहें फटाफट से भेज सकते हैं। लोग इंतजार करते हैं, कोई जाने वाला मिले तो सामान भेजे, कोई आने वाला मिले तो सामान भेजे, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। कुरियर कर दो, सामान पहुँच जाएगा। ये कि हाँ थोड़ा पैसा लगेंगे, सामान 1300-1400 कुछ लगा, लेकिन आपका इतना नहीं लगेगा। अगर आपका पैकेज छोटा रहेगा, सामान छोटा रहेगा, वजन कम रहेगा तो पैसा भी कम लगेगा। मतलब वजन के हिसाब से और पैकेट के हिसाब से पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही लगेगा। तो उम्मीद है हमारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।